ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हमारे बीच में मौजूद है देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम जी। आज हम उनसे जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में कुछ। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, ये पर्व क्यों मनाया जाता है? अक्षय तृतीया जो पर्व है वो हमारे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से बहुत शुभ दिन माना जाता है और इस शुभता का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है और जो ग्रह हैं उनकी जो पोजीशनिंग होती है, उनकी जो अपनी गति से चलने का जो समय और सारी चीजें होती है वो कुछ इस दिशा में होता है, कुछ इस समय के अनुसार सारे ग्रहों की पोजीशन होती है कि वो जो समय होता है, वो काल होता है पूरे दिन का, वो बहुत बहुत शुभ होता है। और अक्षय तृतीया इसका नाम रखा गया है इसीलिए इस तिथि का कि आप जो भी कर्म करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय यानी जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और वो कर्म आपका मल्टीपल होगा। इसीलिए हमारे वेद और शास्त्रों में ये चीज कही गई है कि अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के भी हम कोई भी सत्कर्म कर सकते हैं। इसीलिए इस दिन काफी विवाह होते हैं, कई कुंडलियां मिला के करते हैं, कई लोग बिना कुंडली मिलान के भी इस दिन विवाह किया जा सकता है। जी, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमें इसका लाभ मिले? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका दीक्षा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमने अक्षय तृतीया तिथि के बारे में जाना कि हम जो भी कर्म करेंगे वो मल्टीपल होगा, कई गुना हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो आपको कई गुना ज्यादा, दूसरे दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें दान करना चाहिए और हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। इस बार जो अक्षय तृतीया आ रहा है 7 मई 2019 का, इस दिन का जो योग है ये बहुत ही सुंदर योग है इस ब्रह्मांड का और हमें इस दिन लक्ष्मी अनुष्ठान करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा घर में की जा सकती है, गणेश अनुष्ठान आप कर सकते हैं, गणेश जी को अपने घर में आह्वान करें और उनका पूरा प्रॉपर एक पूजा करें और आप भगवान से प्रार्थना करें कि गणेश और लक्ष्मी, क्योंकि हम ऐश्वर्य चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, हम चाहते हैं कि हम जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, हमें नौकरी में प्रमोशन मिले, जो भी हमारी मनोकामना है वो करते हुए हम इस पूजा पाठ को घर में कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो मंदिर में कर सकते हैं, आप पंडित से संपर्क करके वहां पे करा सकते हैं, लेकिन आप जो भी कर्म करें सच्चे दिल से करें, आपको इसका कई कई गुना लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय और अपने घर में कर सकते हैं। इस दिन यदि आप एक घी का दीपक अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने लगाएं, लेकिन उसकी बत्ती को रुई का न बनाकर उसकी बत्ती को लाल धागे से बनाएं। लाल धागे की बत्ती बनाकर घी का दीपक अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने रखें और आप अक्षय धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटा सा उपाय है लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी आने वाली प्रॉस्पेरस लाइफ। और भी ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।